आ चुका हूँ चाचा चौधरी बफलेट। यहाँ पे जो खाना है वो हमें 150 रुपए में मिलेगा। 150 रुपए समझ रहे हैं आप, 150 रुपए में जितना चाहो उतना खाओ। तो ये रेस्टोरेंट जो है चाचा चौधरी के नाम से फेमस हो चुका है और यहाँ पे अनलिमिटेड खाना मिलता है जो कि आपको ऐसे कम प्राइस में मिल रहा है जो कि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कहीं और मिले। दोस्तों यहाँ पे चाचा चौधरी रेस्टोरेंट, जिस वो चाचा चौधरी जो 90 के दशक में काफ़ी फेमस थे, हम सब के बीच में एक बहुत ही फेमस कार्टून किरदार थे जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। आइए यहाँ पे देखते हैं, जितना चाहो उतना खाओ, 150 रुपये। दोस्तों हम काउंटर पे आ चुके हैं। काउंटर पे आपको सबसे पहले मैं मेनू दिखाता हूँ, चाचा चौधरी एक्सप्रेस बफे। इसका जो अनलिमिटेड फूड का चार्ज है 150 रुपये है। दोस्तों आप बिलीव कर सकते हैं 150 रुपये। अब आइए देखते हैं मेनू में क्या क्या है। मेनू में जो है सबसे पहले जो है वो डे वाइज डिवाइड कर रखा है इन्होंने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। संडे में जो आइटम की क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंचूरियन, चाउमीन, शाही पनीर, दाल मखनी, कढ़ाई पकौड़ा, तावा सब्जी, दाल भल्ले, प्लेन राइस, फ्राइड राइस, तंदूरी रोटी, बटर नॉन, प्लेन नॉन, लच्छा पराठा, काफ़ी आइटम है यहाँ पे। अगर किसी को स्वीट डिश भी लेना है तो उसके चार्जेस जो हैं वो अलग से रहते हैं, तो वो बफलेट 160 का चार्ज हो जाता है। तो आइए हम काउंटर पे सुरेंद्र जी से बात करेंगे। भाई फ्रेंड्स, यहाँ के ओनर सुरेंद्र जी से बात करते हैं कि 150 रुपये में शादी वाला खाना, वो भी चाचा चौधरी, आप बिलीव नहीं कर सकते। जिनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चल रहा था, आज शायद हमारे सुरेंद्र भाई जी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चल रहा है और यहाँ पे सभी कस्टमर को 150 रुपए में आपका भरपेट खाना, जितना चाहो उतना खाओ। आइए उनसे बात करते हैं। तो सुरेंद्र जी, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर मैनेज तो यही है कि ये हम सोशल वर्क के साथ बिजनेस कर रहे हैं। पहले हमारा ये सोशल वर्क ही है, जैसे कि हम बहुत सारी जगह बता सकते हैं कि एक स्टूडेंट हब है जो कि कोचिंग के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। तो यहाँ पे जो कि स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम थी अच्छा खाना खाने की, वो भी प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो उसी को ध्यान में रख के हमने इसको स्टार्टअप किया। ये एक जो बच्चा यहाँ पढ़ने आता है जो कि बाहर पेरेंट्स पे डिपेंड है, किसी को यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो एक इकोनॉमिकल रेट में एक अच्छा उसको खाना मिलता है। दोस्तों मैं भी यही आशा करूँगा कि इनकी और भी ब्रांचेस दिल्ली के कोने कोने में फैले। उसे कहते हैं ना, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों मैंने अपना कूपन ले लिया है, अब काउंटर पे चलते हैं और अपनी थाली लगवाते हैं 150 रुपए वाली। आइए चाचा चौधरी वाली, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, आज मैंने भी चला लिया और मुखर्जी नगर आ गया। तो आइए देखते हैं मेरी थाली में क्या क्या है। शाही पनीर है, दाल मखनी है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी जो टेस्ट होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंचूरियन, मेरा लच्छा पराठा, बैंगन का भरता, चाउमीन, ये स्टार्टर है दोस्तों, लेकिन मैंने सारा एक साथ ही ले लिया। देखो मैं कितना खा सकता हूँ, साथ में फ्राइड राइस, प्लेन राइस और दही बड़े, और ये मेरे पूरे कटोरी, देख लो कटोरी ही कटोरा, ये मुझे खाना है। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, और कैसा लगा मुझे इनका स्वाद तो खा के मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही लजीज है, और खासियत क्या है कि इसमें जो तेल की मात्रा है वो, जैसे आप कहीं बाहर खाने जाते हो तो तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा डाल दी जाती है, बटर बैलेंस नहीं रहता है, लेकिन मुझे इसमें एक बाइट में ही लग रहा है कि काफ़ी बैलेंस है। आइए पनीर ट्राई करते हैं।
चार्ज है वो आप इनसे बात कर सकते। वैसे मैंने बात किया था वो 3500 रुपये पर मंथ है 2 महीने के लिए। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग वो बताइएगा कमेंट करके। जो है गटगट्टा वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी। दोस्तों शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने रिव्यूज़ को ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में डालें।